हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करेंगे मिकानाजोल नाइट्रेट क्रीम के बारे में। ये एक क्रीम है जो कि फंगल इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा अगर आपको जानना है कि इस क्रीम का यूज़ कैसे कर सकते हैं और कौन से इन्फेक्शन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जानते हैं कि इसका यूज़ कौन से इन्फेक्शन में किया जाता है, जो कि फंगल इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। इसका जो नाम है एथलीट फुट, जो कि हमारे फुट के अंदर, हमारे पाँव के अंदर ये होता है और काफ़ी तेज़ी से फैलता है। एक तरह से स्किन के ऊपर हमारी जो ऊपर की लेयर रहती है, जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस, वो पूरी तरह से हटने लगती है और काफ़ी खुजली जाती है इसमें, और इचिंग सा होता है और थोड़ा बहुत जलन सा भी होगा आपको। अगर आपको कुछ चीज़ का हीट या फिर ठंडापन वहाँ पर फील होता है तो काफ़ी जलन सी फील होगी, तो वहाँ पर भी ये क्रीम का यूज़ करने पर आप देख सकते हो आपका जो फंगल इन्फेक्शन, जो एथलीट फुट जिसको बोलते हैं, वो कम होते हुए दिखेगा। और आप इसका यूज़ अपने अच्छे सुबह या शाम दोनों टाइम यूज कर सकते हो। और जो दूसरा इन्फेक्शन है जिसको बोलते हैं अगला जो इन्फेक्शन है, जो कि इसका नाम है जोकिच, जो कि प्राइवेट पार्ट में ज़्यादा देखा गया है कि ये फैलता है। और दिक्कत ये आती है कि ये जो इचिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जाती है और आप इसे खुजाने के लिए भी काफ़ी शर्माते हैं, क्योंकि पब्लिक प्लेस में अक्सर दिक्कत आती है कि आप जब भी खुजाते हो तो आपको काफ़ी शर्मिंदा फीलिंग होती है और काफ़ी ऐसा लगता है कि हम काहे खुजा रहे हैं और क्यों खुजा रहे हैं। तो आप इसको जब भी क्रीम यूज करें तो आप इसके अपने प्राइवेट के पार्ट के जो आइट साइड जो एरिया है जहाँ पे आपको इचिंग हो रही है, वहाँ अप्लाई करने पर जो कि काफ़ी कम हो जाएगी। आप काफ़ी आप फील करेंगे कि आपकी जो इचिंग है वो भी कम होगी, खुजलीपन जो हो रहा है खुजलीपन वो भी कम होता है दिखेगा। और अगला जो इन्फेक्शन है जिसको बोलते हैं रिंग वाम क्यों, क्योंकि एक रिंग शेप सा बनाता है जहाँ पे भी आपको खुजली होती है, जहाँ पे आपको फंगल इन्फेक्शन है वहाँ पे एक तरह से रिंग जैसा बन जाता है। तो ये अक्सर देखा गया कि काफ़ी लोगों को ये चीज़ ज़्यादा होती है। तो ये आप ये क्रीम का यूज़ करने पर वहाँ पे अप्लाई करेगा तो वहाँ पे रिंग वाम में जो कि कम होगी और इन्फेक्शन भी कम होगा और लालपन जो भी वो भी कम होता है और खुजलीपन भी ज़्यादातर कम हो जाता है। तो ये जो इन्फेक्शन है रिंग वाम और कम होता हुआ दिखेगा आपको। और अगला इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं यीस्ट इन्फेक्शन, ये भी प्राइवेट पार्ट में होता है जो महिलाओं में वजाइना पार्ट जो होता है उनका गुप्तांग जहाँ पे जो होता है। तो ये जो इन्फेक्शन है आपको जब भी क्रीम अप्लाई करना है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें कि कैसे यूज करें, क्योंकि ये प्राइवेट पार्ट के लिए क्रीम अक्सर बोला गया है कि हार्म आपको बचा सकती है, अभी कुछ भी साइड इफेक्ट हो सकता है। तो ध्यान पूरा कि इसका यूज़ करें अगर महिलाएं इसका यूज़ कर रही हैं। तो अगला जो इन्फेक्शन है जो कि इसको बोलते हैं पाइट्राइसिस रोजिया, और ये बड़े सपरे सरफेस एरिया में ये फैलता है आप बॉडी पार्ट में, जैसे देख सकते हो कि पेट के ऊपर किस तरह से फैला हुआ है पूरी जगह। तो ये ज़्यादातर फैलता है और पर खुजली कम होती है इसमें, पर ज़्यादा अमाउंट में फैलता है और वो काफ़ी दिनों तक बना रहता है। तो आप इसका क्रीम का यूज़ करने पर आपको कभी महीने तक यूज करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम तक फैलता है ये और काफ़ी एरिया भी कवर करता है, तो उस तरह से कम होने में भी टाइम बहुत लगता है। तो आप इसका यूज़ करने पर दो टाइम इसका यूज़ करते हो और महीनों तक यूज करना पड़ता है तब जाके कम होगा आपका। तो ये सब इन्फेक्शन थे, तो आप इसका यूज करने पर काफ़ी कम देखता हुआ देख सकते हो अपने इन्फेक्शन को, जब भी काफ़ी बद्दे दिखते हैं और खुजली भी ज़्यादा होती है। तो सारे इन्फेक्शन में, फंगल इन्फेक्शन में यही होता है कि खुजली ज़्यादा देता है और दिखता है तो गंदा है ही। आप जानते हैं कि साइड इफेक्ट क्या सकते हैं अगर आप इसका यूज कर रहे हो क्रीम को तो अपने घर के अंदर, तो आपको जलन सी होती है और बर्निंग सेंसेशन जिसको बोलते हैं स्टिंग सा, एक चुभना सा लगेगा आपको और थोड़ा सा सूजन भी आती है अगर इन्फेक्शन होता है तो, इरिटेट सा और रेडनेस सा फील भी होता है, रेडनेस एकदम लाल लाल जैसा हो जाता है। और एक जो रेयर केसेस में होता है कि कोई भी एलर्जी अगर रहती है आप इन्फेक्शन ये क्रीम का जहाँ इन्फेक्शन है आपको वहाँ लगाने पे, तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, फिर एक तरह का एनाफाइलेटिक शोक जिसको बोलते हैं, एनाफाइलेटिक शोक में आपको एकदम से मिर्गी सा आता है, पर वो किसी किसी को ही होता है, किसी रेयर केसेस में होता है। तो डरने वाली बात नहीं है, अगर आपको ऐसा कुछ भी लगे तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें या फिर आसपास के जो कि हेल्थ केयर सेंटर वहाँ जाके पता करें कि हमें अगर ये हो सकता है तो क्या साइड इफेक्ट और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और चैनल को नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो। तो